हिमालय का विभाजन, यानी कि हिमालय के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, जो उसका विभाजन किया गया है सामान्य रूप में उनकी विशेषताओं के आधार पर। अब अगर हम बात करें कि प्रादेशिक आधार पर हम कैसे बताएंगे कि हिमालय की कंडीशन कैसी है, शॉर्ट में लिख लिया है क्यों, क्योंकि टाइम कम लगे। तो पहला आता है हमारे से पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है इसको किस प्रादेशिक धर्म प्रदेशों में किस तरह से सुवैध किया उसके बारे में बता रही हूँ। तो पंजाब हिमालय कहाँ है, सिंधु से सतलज नदी पर। तो सिंधु नदी कहाँ रहती है हमारी, यहाँ पर पाकिस्तान में रहती है। सतलज नदी कहाँ रहती है हमारी, पंजाब में। तो यहाँ से लेकर जो इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, अब ये पंजाब हिमालय है, सतलज नदी हिमालय से इस तरह से निकलती है, तो ये क्षेत्र कहलाता है हमारा पंजाब हिमालय। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य मिलता है। इसकी जो लंबाई है वो 562 किलोमीटर है, यानी सिर्फ कितनी लंबाई बिछा हुआ है 562 किलोमीटर। और इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं लद्दाख, पीर पंजाब, धौलाधार, जासकर, जोजी। इन कहाँ पर है ये लद्दाख, पीर पंजाब। पीर पंजाब हमारा लघु हिमालय का था, लद्दाख हमारा महान जो पीरों का ट्रांस हिमालय का था। तो इस पर्वत श्रेणी में, इस क्षेत्र में जो जो पर्वत आते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा कुमायूं हिमालय, वो कहाँ है, सतलज नदी से काली नदी तक। काली नदी कहाँ बहती है, हमारे नेपाल सीमा पर। तो ये यहाँ सतलज नदी से काली नदी तक का विस्तार है, इसको बोलते हैं जो हमारा कुमायूं हिमालय। ठीक है, अब कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय से ऊंचा है, यानी पंजाब हिमालय जो है उससे ऊंचा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर उससे भी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये उत्तरांचल में है, इसकी लंबाई कितनी है 320 किलोमीटर। और यहाँ पर मुख्य पर्वत है वो नंदा देवी, ये ऊंचा पर्वत है। फिर इसके बाद में आता है तीसरा है हमारा नेपाल हिमालय, काली नदी से तिस्ता नदी तक। तिस्ता नदी कहाँ बहती है हमारी, इस जगह। तो जो काली नदी से तिस्ता नदी तक जो इसका विस्तार है इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक नेपाल में ही माना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और ये जो है सबसे अधिक ऊंचा है, क्यों है सबसे अधिक ऊंचा, जितनी भी हमारी पर्वत चोटियां हैं ऊंची ऊंची वो इसी क्षेत्र में मिलती हैं। इसकी जो लंबाई है वो सबसे अधिक है 800 किलोमीटर तक है। और जितने भी हमारे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट यहाँ पाया है, कंचनजंगा भी यहीं पर है। पर्वतों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है मैम। ठीक है, वो सबसे अधिक ऊंचे धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, ये यही पाई जाती है हमारी पर्वत चोटियाँ। ठीक है, और असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय में देहांग, अब ये पूरा क्षेत्र में बचा ये क्या है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय जो है इसको है देहांग से देहांग, देहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है, इस तरह से बहती है। तो जो है तिस्ता नदी से देहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। और ये जो है 750 किलोमीटर की लंबाई में है। और कोलाकांगी और काबू दो मुख्य यहाँ की पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो ये है प्रमुख रूप से जो पर्वतों के बारे में। और अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका देशांतरी विस्तार को हम दो भागों में बांटते हैं, एक हमारा पूर्वी हिमालय और दूसरा हमारा पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो मैं अपने बोर्ड का बन जाएगा वीडियो पे। पहला है हमारा देशांतर आधार पर, पहला है हमारा पूर्वी हिमालय और दूसरा है हमारा पश्चिमी हिमालय। ठीक है, अब इसको मैं सिर्फ समझाई दे रही हूँ पूरा क्षेत्र। अब इसमें कौन सा आता है कि देशांतरी आधार पर इसका विस्तार करें तो जो हमारा देशांतरी विस्तार यहाँ से शुरू होता है, इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र का पूर्वी हिमालय और पश्चिमी क्षेत्र का पश्चिमी हिमालय है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के हिमालय में जो हमारे पटकोई, नासा, जो पहाड़ियां भर आती हैं फिर, और हमारे पश्चिमोत्तर हिमालय के क्षेत्र में जितनी लद्दाख, जासकर, कुमायूं, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट सभी पर्वत श्रेणियां वो हमारी इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस क्षेत्र की कि जो हमारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वो सबसे अधिक पर्वत श्रेणियों के विस्तार वाला है,
साथ के साथ यहाँ पर जो पर्व श्रृंखलाएं पाई जाती है वो उनमें जो है इतना अधिक बलन पड़ा है कि नापे बन गए हैं। यहाँ पर पश्चिमी हिमालय में बलन अधिक पड़े हैं जिस कारण से नापे बन गए हैं। नापे किसे कहते हैं? ये पर्व श्रृंखला में बलन पड़े हुए हैं, जब बलन एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम नापे। ठीक है, और ये जो है ये जो पूर्वी हिमालय है वो अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और नागालैंड इन सबके बीच में, जो म्यांमार क्षेत्र है, ठीक है, तो ये यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं पर्वतीय क्षेत्र, जैसे कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो यहाँ की जो पर्वतीय सीमा है उनमें जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बनाने में भी इनका पूरा हाथ रहता है। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय नागालैंड और असम दोनों है, इसमें बैरल श्रेणी मुख्य रूप से पाई जाती है, जो मणिपुर घाटी में कुल्लू चुंबी घाटी ये सब क्षेत्र जो कहते हैं हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और पश्चिमोत्तर क्षेत्र सारे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। ये है हमारा देशांतरीय विस्तार।